हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। यही सेम प्रॉब्लम आपके सीबीएसई इश्यूड सैंपल पेपर 2023 के सेक्शन ए में भी दी हुई है। इसमें आपसे यह कहा गया है कि टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, दो डाइस को उछाला गया है और हमें यह फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिक्स है वो कम से कम एक बार तो जरूर आएगा। देखिए, एक बार भी आ सकता है और दो बार भी आ सकता है, पर कम से कम एक बार तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आए ना। तो जब दो डाइस को उछाला जाएगा तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, इसका सैंपल स्पेस में यहां पर बनाता हूं। देखिए, ये है आपके सामने ऑल पॉसिबल आउटकम्स जब दो डाइस को उछाला जाएगा। देखिए, ये पहली डाई के रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये दूसरी डाई के रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6, और इनके जो कंबाइन रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने दिया हुए। अब आपको इसे देखकर लग रहा होगा यार एक नंबर के क्वेश्चन में इतना सारा लिखना पड़ेगा। देखो, बात एक नंबर की नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, कुछ सेकेंड्स लगेंगे या एक मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप इसे बना लीजिए। इसका फायदा यह है कि सपोज कीजिए आपको अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन मिला भी है डाई का, 2 मार्कर या 4 मार्कर, तो आप क्या कर सकते हैं, ये बनाने के बाद क्या है कि आप जो अपने फेवरेबल आउटकम्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो आप यहां से फटाफट चूज कर सकते हैं। आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है मान लिया, लेकिन अगर आपको इसको बनाने की प्रैक्टिस है, आप एक दो बार बनाएंगे तो आप लोग को लगेगा कि इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ देखने में मुश्किल लग रहा है बनाना, जबकि बना के आप देखेंगे आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स विल कम अप एटलीस्ट वंस, मतलब 6 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यहां से आप डायरेक्ट चूज कर सकते हैं। देखिए, यहां पर आप कह सकते हैं कम, देखो एक तो ये लाइन होगी, इसमें इन सारे आउटकम्स में 6 कम से कम एक बार आया है, यहां तो 2 बार आया है, और यहां पे देखिए क्योंकि ये 6 की लाइन है, ये लाइन, तो यहां के 6 केसेस और यहां के 6 केसेस, बट एक केस कॉमन है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर मैं यहां के 6 केसेस लेता हूं, यहां के मुझे 5 ही केस लेने पड़ेंगे। तो 6 + 5 कितने केसेस हो गए फेवरेबल केसेस, 11, क्योंकि बाकी किसी में भी देखिए 6 एक बार भी नहीं। तो मैं यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 36। देखिए 6 × 6 = 36। अब यहां पे मैंने इवेंट डिफाइन नहीं की, माफ कीजिएगा, मैं यहां पे नीचे इवेंट डिफाइन कर लेता हूं। इवेंट ए इज इक्वल टू 6 कम्स अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 6 आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए कितने होने चाहिए, 11। यहां पे देखिए 6 और यहां पे 5, 6 + 5 = 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 11 / 36।